भाभी जी चाय निकालिए और मटरी खाते हैं। लेकिन ये चाय और मटरी तो रॉकेट में खाने के लिए है ना, इतना लंबा सफर है, हमको रास्ते में भूख लगेगी। कम ऑन भाभी जी, 15 मिनट में पहुंचेंगे, 15 मिनट के अंदर हम चांद पर होंगे। सिंपल। क्या बोल रहे हैं, 15 मिनट में? यस भाभी जी। नहीं नहीं, लेकिन अमेरिका जाने में तो 20-25 घंटे लगते हैं और चांद तो अमेरिका से भी दूर है। भाभी जी आप बहुत भोली हैं। भाभी जी आपको अमेरिका दिख रहा है यहाँ से? नहीं। चांद दिख रहा है? हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। तो दूर क्या है, अमेरिका या चांद? सही पकड़े हैं, अमेरिका। भाभी जी ब्रिलियंट ब्रिलियंट, मतलब आपका जो आईक्यू लेवल है इट्स लाइक 100 by 100। आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर स्पेशली, दैट्स रियली रियली गुड भाभी जी। थैंक यू। अब बुलाइए ना आपके रॉकेट को, चलते हैं। भाभी जी ट्रैफिक में फंसा होगा, आ जाएगा। देखिए किस बात की है, आपसे जस्ट टेक इट इजी। क्या बोल रहे हैं, ऊपर भी टैरिफिक होता है? भाभी जी टैरिफिक तो आप है, ऊपर ट्रैफिक होता है ना? हंसे पकड़े हैं, होता है ऊपर? भाभी जी बहुत ट्रैफिक होता है ऊपर, ऊपर बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत जाम लगते हैं ऊपर। हाँ। अभी अनिता को ना रात में चलने की बीमारी है। आदिया पता नहीं कहाँ कहाँ जाती होंगी। अभी जब कहीं भी जाती लेकिन लौट के घर पे आती है, आप टेंशन मत लीजिए ना उस बात की। आप एक काम कीजिए, आप मटरी और चाय निकालिए, इतनी मेहनत की आपने, इतने प्यार से चाय और मटरी बनाइए। प्लीज लेट्स हैव मटरी एंड चाय, कम ऑन। नहीं पहले रॉकेट को तो बुलाइए। अभी जी आप ना बहुत प्रेशराइज करते हैं, बट आई लव इट। लेट मी कॉल अप, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचे वो लोग। हेलो, हाई कैप्टन, हाई कैप्टन, अल्फा डेल्टा स्पीकिंग, अल्फा डेल्टा स्पीकिंग। भाई कहाँ पहुँचे तुम लोग यार? अच्छा मंगल शुक्र के बीच में फंसे हो, ट्रैफिक जाम है, सॉरी ट्रैफिक जाम है। पर लेकिन भाभी जी कब से वेट कर रही हैं यहाँ पे चाय मटरी बना के? बट दिस इज नॉट डन। अच्छा तो आज आओगे ही नहीं, तो कल तो आओगे ना यार? अच्छा ठीक है, ओके मैं भाभी जी को बोल देता हूँ। ऑलराइट, ओके ओके, ओवर एंड आउट। अभी जी एक्चुअली क्या है कि ट्रैफिक बहुत जाम है वहाँ पे, वो मंगल और शुक्र के बीच में फंसे हुए हैं, तो वो कल आ जाएंगे भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए। आप इतनी मेहनत की आपने चाय बनाई है भाभी जी, तो ज़रा चाय तो पीजिए कम से कम। और वो सड़क सड़क के भाभी जी, आई वांट टू सी यू सड़को, प्लीज भाभी जी लेट्स हैव सम टी एंड मटरी। हाँ ठीक है, लेकिन कल जाएंगे? 100% भाभी जी। सड़क ही ना, आपके सड़क में तो रोमांस प्लीज। नहीं भाभी जी, कम ऑन भाभी जी, वो एस्ट्रोनॉट होता है। सही पकड़े हैं। और बताइए कैसन बा? बस भाभी जी ऐसी अंतरिक्ष यात्री की जिंदगी होती है, आज मंगल कल शुक्र परसों चांद, बस यूं ही। वी आर यूनिवर्सल जिप्सीज यू नो, हम लोग अंतरिक्ष के क्या बोलते हैं बंजारे हैं यू नो। और बताइए अब कहाँ जाने का प्रोग्राम है? हुआ यहाँ यहाँ पे आप है अब ये डर क्यों रही हैं आप इससे? ये तो मंगल ग्रह का प्राणी, मेरा दोस्त है मंगली। नहीं नहीं तो जादू है भाभी जी, आप वो फिल्म वाले जादू की बात कर रही होंगी राइट? हाँ वो जो ऋतिक की फिल्म में था। भाभी जी ये मंगल ग्रह का प्राणी है, इसका नाम मंगली है। एक्चुअली क्या है कि मैं मंगल ग्रह गया था, तो आते वक्त मेरे पीछे लग लिया कि मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। तो मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हें दिखा देता हूँ पृथ्वी भी क्या चीज है। भाभी जी क्यूट नहीं, इट्स क्यूट क्यूट। सही पकड़े हैं। वाया वाया या वाया मोबाया। I like it। क्या? ये तो I like it बोल रहा है सक्सेना जी की तरह। हाँ तो ये मंगल ग्रह का सक्सेना है ना भाभी जी? क्या बात कर रहे हैं?
अब मंगल ग्रह पर भी सक्सेना जी होते हैं। सक्सेना तो हर ग्रह ही मिलेंगे, पागल तो आप हर जगह मिलेंगे ना भाभी जी। सुनिए आप कुछ खाएंगे? करा इसको भूख नहीं है भाभी जी, हमने आपसे मंगल ग्रह के प्राणी को मिलवा दिया, कम से कम थैंक यू तो बनता है। थैंक यू श्री भाभी जी, आप ही शर्मिंदा करती हैं, थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, चलो बेटा आजा। अब फिर आना मंगली। वाह या यमाल वाह। आई लाइक इट। ये कह रहा कि इसने आपको पसंद किया, ये आएगा। बुरो ना मानियो तो एक बात पूछें आपसे। आप पूछिए। आप भैया विभूति को कब से जानती हो? ये कैसा बेतुका सवाल है? ना ना बेतुका सवाल बिल्कुल ना है, वो गोरी में बिल्कुल सही सवाल है। आप हमें जो बताओ कि आप भैया विभूति को कब से जानती हो, सिंपल। मैं विभू को कॉलेज के वक्त से जानती हूँ। अरे भाभी जी ये सब तो आपके मुँह से कई बार सुन चुके हैं। अच्छा तो गोरी मैम फिर हमें एक बात और बताओ कि आपने कॉलेज टाइम पे जब आप हती तो आपने भैया विभूति को पहले प्रपोज करो तो, या भैया विभूति खुद मुंह उठा के आ गए थे आपको प्रपोज करने के लाने? अरे आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है हा? या आप ऐसे फालतू के सवाल पूछ रहे हैं? आप लोग क्यों टाइम पास करने आए क्या मेरे पास? ना ना गोरी मैम ऐसा बिल्कुल ना है, वो टाइम पास करने बिल्कुल ना आएंगे। तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसे बेतुके सवाल? सीधे सीधे मुद्दे पे आइए ना, क्या कर रहे हैं, मुद्दे का सवाल कीजिए। हाँ हाँ ठहर जाओ ठहर जाओ, ठीक है। ऐसो है गोरी मैम। कैसो है? आई मीन कैसा है? ऐसो है गोरी मैम, क्या मैं भैया विभूति के खिलाफ कछु इन्फॉर्मेशन मिली हैगी? कैसी इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन जब मिली है गोरी मैम कि जो अपने भैया विभूति हैं भी दुश्मन देश के सीक्रेट एजेंट हो रही हैं और भी अपने देश की इन्फॉर्मेशन दुश्मन देश को पहुंचा रही हैं। अरे 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 आप लोगों का क्या दिमाग खराब हो गया? आप मेरे सीधे साधे पति पर इतना खतरनाक इल्जाम लगा रहे हैं। हम क्षमा चाहेंगे भाभी जी, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल भभूति जी जो है इस देश के गद्दार हैं। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास कि विभू गद्दार है? आप मेरे सीधे साधे मासूम पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है, जिंदगी बाकी तो नहीं। क्या बोले अभी जी? चाय मठरी खाते हा? भरभूति जी आप रोज ही हमसे चाय मठरी मंगवाते हैं कि रॉकेट में खाएंगे और आप सब यही खा लेते हैं। अकल भी आप यही किए थे, सारा चाय मठरी यही खा लिए थे। रॉकेट को बुलाइए ना, रॉकेट में खाएंगे और जाएंगे चांद पर। रॉकेट आ रहा है, आप तो एकदम इंपेशेंट हो रही है, देखिए टाइम लगता है भाई, कितनी दूर से आ रही, तो देखिए आ रहा है। चाय चाय और मठरी निकाली, चलिए या। कितना सुंदर लग रहा है। या। ये वहीं जाएंगे हम लोग वहीं पे। अभी जी क्या मजा आ रहा है, चांद भी देख रहे हैं। अरे तो मैं चांद को तो पता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हवाला जरूर जाओगे देश के गद्दार। नई नॉवल लिख रहे हैं ना, उसकी स्टोरी सुनाइए। मार्था मर्दों की सताई हुई एक ऐसी औरत थी जो अब मर्दों के लिए एक खौफ बन गई थी, कि तभी उसे दो मनचले नजर आए जो एक लड़की को ताजा ताजा छेड़ कर आ रहे थे, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि मार्था मौत बनकर उनके पीछे खड़ी थी। मार्था!